नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा परिवार 2000 लोगों का हो चुका है। आपका इसी तरह प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो हम डेफिनेटली और भी अच्छे माइलस्टोन अचीव करेंगे और अपन हिस्ट्री क्रिएट करेंगे यूट्यूब के अंदर। तो शुरुआत करते हैं, जैसे आज का देखिए, आप देख सकते हैं कि 2002 के पूरा हो चुका है अपना सब्सक्राइबर। आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसी खुशी को जाहिर करने के लिए मैं आज एक ऐसा शेयर लेके आऊँ जिसको आप बाय करते हैं तो ये 200% आपको रिटर्न देगा। आने वाले एक साल के अंदर ये 1000% रिटर्न दे सकता है डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी मार्केट लाइव है, आज 12 तारीख है, टाइम हो रहा है दिन के 1:50 हो रहा है और लाइव मार्केट चल रही है इस टाइम पे। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का शेयर मैंने चूज़ किया आज। आज देखिए इसका आज का वर्किंग क्या है इसका। तो आज ये ओपन होता 24.30 रुपये पे, हाई मारता 24.30 रुपये, ठीक है। जितने पे हाई मारता उतना ही ओपन होता, उतना ही हाई मारता, और लो मारने 23.80 रुपये और अभी ट्रेड कर रहा है 23.70 रुपये पे, ठीक है। तो इसका 52 हाई है 24.65 रुपये और 4 रुपये का लो है 52, ठीक है। तो अब तो ये हमने देख लिया, हिस्ट्री देख ली कि ये अभी तक ये इनने 1 मंथ के अंदर कितने रिटर्न दिए, इनने 47%, 6 मंथ के अंदर देखे इनने 250% रिटर्न दे चुका है, तो छः महीने के अंदर, और हमारी नॉलेज से बाहर है। और ये बजाज हिंदुस्तान करते क्या है कंपनी, ये बेसिकली शुगर सेक्टर की कंपनी है, चीनी बनाना, एथेनॉल बनाना इनका काम है। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट टेप की साइड पर, ठीक है। बोर्ड ऑफ बजाज हिंदुस्तान ने अप्रूव किया है 14 करोड़ का इन्हें इक्विटी, जो इनका लोन है उसे कम करने के लिए इक्विटी से इन्हें 14 करोड़ पे अप्रूव करें, ठीक है। बजाज हिंदुस्तान ने क्वार्टरली रिजल्ट मारा था, उसमें 6.44% का ग्रो करा है और ये, ठीक है ना। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट आया, कॉन्सुलेट इतना आया था, स्टैंड लोन इतना आया था 162, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग आ गई कंपनी, क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा रही, ईयरली प्रॉफिट दिखा रही कंपनी, कर्जे में है मगर धीरे धीरे बाहर आ जाएगी वो। हम ओवरव्यू देखते हैं कंपनी का क्या है। तो ये ओवरव्यू ओपन हो रहा है इसका, थोड़ा सा वेट, ठीक है। इसका ये देखिए, ज़्यादा बड़े कर्जे में कर्जे से बाहर आ चुके, थोड़ा बहुत कर्जा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह से एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट शुगर सेक्टर की कंपनी जो जो एथेनॉल बना रही है, आप देख सकते हैं कोविड के चलते हुए, और जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा है और गवर्नमेंट की जितनी बार अपडेट आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के शुगर सेक्टर के बहुत अपडेट आ रही है और झटके से तेज़ी से भग रहे शुगर सेक्टर सारे। तो इस शेयर के अंदर हमें करना क्या है, हमें बस बाय करके पेशेंस का होल्ड करके बैठना है, ठीक है। बजाज हिंदुस्तान को एथेनॉल का प्रोडक्शन का इनका भी अच्छा है, ये देखिए मनी कंट्रोल की साइड पर भी दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे को ये देखिए 63% एनालाइजर बोल रहे हैं बाय करने के लिए। अब मैं इसका चार्ट बताता हूँ, चार्ट पे क्या ब्रेकआउट आ रहे हैं इसके। तो हम इसका डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसका डेली चार्ट पे देखिए, ये देखिए ये पहले ये 6 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, 6 रुपये से इन्हें सीधा अपर सर्किट मारा, 10 रुपये लेके 10 से लेके 15 के बीच में इन्हें करेक्शन लिया, फिर ये भागा, ठीक है। फिर ये 15 से लेके 16 के बीच में इन्हें करेक्शन ले गया, फिर भागा ये। अब ये करेक्शन ले रहा है 20 से लेकर 24 रुपये के बीच में। तो जैसे ही करेक्शन खत्म होगी, करेक्शन के बाद ये पहला इसका टारगेट आएगा 30 रुपये, दूसरा टारगेट मेरा 35 रुपये, तीसरा टारगेट मेरा 40 रुपये, और आप लंबे समय के लिए रहते हैं तो ये 100 रुपये का शेयर है आने वाले समय में। 1-1.5 साल के अंदर 100 रुपये पहुँचेगा शेयर आपको, आज लिख लीजिए वीडियो के अंदर, आपको आने वाले 1.5 साल के अंदर 100 रुपये का पहुँचेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट आ रही है और जैसे ही तीसरा ईंधन स्टार्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कैपेसिटी थी एथेनॉल की बनाने की वो बढ़ा दी है, ठीक है। उस न्यूज़ को लेकर संगी, इसमें अभी अपर सर्किट टूटा है लास्ट वीक से, इसमें अपर सर्किट टूटने के बाद ये इसमें करेक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं करेक्टिव होते होते अपना 52 हाई तोड़ेगा, पहला टारगेट 30 रुपये, दूसरा टारगेट 35 रुपये, तीसरा टारगेट 40 रुपये, चौथा टारगेट 50 रुपये, पाँचवा टारगेट मेरा 100 रुपये, यानी 5 टारगेट लिए मैं इसको बाय करने के लिए स्लो मूव के साथ चलता है। इसमें करेक्शन होगी धीरे धीरे, हर माइलस्टोन पे से करेक्शन करेगा ये 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, मगर ये भागेगा कंपनी अपने इस। आज ये कंपनी अपने 11 साल के टारगेट, यानी कि अभी जो इस चार्ट पे चल रही है इस टाइम पे, ये जो चार्ट बन रहा है ये अपना 11 साल बाद ये चार्ट बन रहा है इसका, यानी 11 साल अब ट्रेंड पर है 11 साल बाद कंपनी, ठीक है। 2011 के बाद 2000, ये देखिए वीकली चार्ट पे कितना अच्छा बुलिश है, ये MACD RSI भागने को तैयार बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बस पेशेंस, ये पैनी स्टॉक है, इसमें पेशेंस सब बने रहिए, बाय करके होल्ड रखिए। पहला टारगेट 35 रुपये, दूसरा टारगेट 40 रुपये, तीसरा टारगेट 50 रुपये, 3 टारगेट के लिए बाय करिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें।
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।